सो गाइज, अगर आपको 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक महीने का कमाना है और एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू कमाना है, एंड वो भी एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे, जो वैल्यूएबल प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे लोग ऑलरेडी कमा रहे हैं, जहाँ पे मैं खुद भी कमा रहा हूँ, ऐसे प्लेटफॉर्म पे अगर आपको कमाना है, नॉलेज चाहिए, आपको सीखना है, तो आप मुझे ज़रूर मैसेज करिएगा व्हाट्सएप के ऊपर, और उसके साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम पे आप मेरा प्रोफाइल भी चेक करिएगा। सो गाइस, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज दिस इज़ द हिस्ट्री ऑफ मंगोलियन किंग चंगेज़ खान, एंड ये हंसी टीवी की तरफ से ये वीडियो है, स्टार्ट टू एंड तक पूरा देखिएगा। तो लेट्स रामचंद्र स्टार्ट इब्तदाई नामों में दिस शुमार होता है, जिन्होंने मुख्तसर वक्त में अपनी तलवारों के बल बूते पर दुनिया का नक्शा तक बदल डाला। चंगेज़ खान को तारीख में खौफ, दहशत और बर्बरियत का एक भयानक बाप जाना जाता था। वो एक मंगोल सरदार था जिसने 13 साल की उम्र में तलवार उठाई और 40 साल की उम्र में पहुँच कर वो चंगेज़ खान बादशाहों का बादशाह बन गया। चंगेज़ खान 1162 ईस्वी को दरियाए अनान के इलाके में पैदा हुआ। इसका असल नाम तमोजिन था, जिसका मतलब है लोहे का काम करने वाला। सहराए गोपी के शुमाल में दरियाए कैरोलिन और दरियाए ओनान की जरखेज़ वादियों में अनगिनत कबाइल आबाद थे, जिनमें से कुछ मंगोल कबाइल भी थे। इन्हीं मंगोल कबीलों में लेसुकाई नाम के शख्स के घर एक बच्चे की विलादत हुई, जिसका नाम इसने तमोजिन रखा। तमोजिन की पैदाइश पर कबीले के चंद दाना लोगों ने यह पेशन गोई की कि यह लड़का बड़ा होकर जुल्म जाबिर और जंगजू हुक्मरान बनेगा। दोस्तों, मंगोल कौम एक वैशी किस्म की शिकारी कौम थी। ये इलाका चौंका बर्फानी था, लिहाजा इन्हें बर्फ़बारी, सर्दी और भूख से बचाव के लिए खालों और ख़ुराक की ज़रूरत होती थी। लिहाजा ये लोग छुपकर और घात लगाकर 12 सिंगों का शिकार किया करते थे। ये लोग सर्दी से बचने के लिए जानवरों के गोश्त के साथ साथ इनकी आंतें तक खा लेते थे और इनका खून भी पी जाते थे। जिस वक्त तमोजिन पैदा हुआ, इसकी कौम सैकड़ों ख़ानदानों में तकसीम हो चुकी थी, हत्ता कि इनका अपना कबीला भी इनसे नाराज़ था। अभी तमोजिन छोटा ही था कि इसके बाप को इसके दुश्मनों ने जहर देकर हलाक कर दिया। ये वो लम्हा था जिसने तमोजिन का बचपन इससे छीन लिया और इसकी ज़िंदगी को एक नया मोड़ दे दिया। इस वक्त वो बिल्कुल तनहा होकर रह चुका था, लिहाजा अपनी माँ के ज़ेर साया अपने दूसरे बहन भाइयों के हमराह वो परवान चढ़ता रहा। इसकी माँ अक्सर रातों को इसे अपने पास बिठाकर इसके आबा अजदाद की बहादुरी और जुरत के वाक़ियात इसे सुनाया करती थी, जिसका तमोजिन पर बहुत गहरा असर हुआ करता था। लिहाजा इसी की बदौलत वो बचपन से ही निडर और बहादुर बन गया था। यूं वक्त गुजरता गया और आखिरकार 1175 को इसे अपने कबीले का सरदार बना दिया गया। मगर इसके अपने ही कबाइल के आपस में झगड़े शुरू हो गए। इसने तमाम कबाइल और हलकों को अपने ज़ेर असर करने की भरपूर कोशिश की, क्योंकि इस वक्त मंगोलिया पर कई कबाइल की हुकूमत थी। लिहाजा सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद तमोजिन ने नहायत समझदारी का मुजाहरा करते हुए सब कबाइली सरदारों को इकट्ठा किया और मिलकर दीगर इलाकों को फतह करने का मंसूबा पेश किया, जिसे कबाइली सरदारों ने खूब सराहा और इसकी दानिशमंदी के कायल हो गए और इसे मुत्तफिका तौर पर अपना सरदार तस्लीम कर लिया और दरे अनान के करीब मजलिस में इसे चंगेज़ खान का खिताब भी दिया। चंगेज़ खान ने अपनी मनसूबाबंदियों और ज़हानत के बल बूते पर मंगोल सल्तनत को एक मजबूत रियासत के तौर पर मुतारिफ करवाया। इसने मंगोल सल्तनत की फ़ौज की तामीर नो की और दीगर इदारों को भी मजबूत किया। इसने फ़ौजी तंजीम के जो असूल मुतारिफ करवाए, वो सदियों तक फ़ौजी माहिरों के लिए मशले राह का काम देते रहे। इसने चीन को 2 मरतबा फतह किया और 1214 और 1218 में 2 चीनी रियासतों हिया और किन पर कब्ज़ा कर लिया। दोस्तों, चंगेज़ खान की हिकमत अमली और जंगी मनसूबाबंदी ने चीनियों की कमर तोड़ कर रख दी और वो बेबस होकर रह गए। इसी दौरान चंगेज़ खान की फ़ौज भी चीन की सरजमीन से काफ़ी हद तक वाकिफ हो चुकी थी, लिहाजा इसने आसपास के इन शहरों को फतह करने का इरादा किया जिनके गिर्द किले और फसीलें बनी हुई थीं। इसने जंगी हरबे के तौर पर इस डर और खौफ को इस्तेमाल किया जो इस इलाके में फैल चुका था। इसने चीनी लश्करों पर अपनी दहशत फैलाने के लिए ऐलान किया कि जो मंगोलों के सिपाहियों से जंग करेगा, इसमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा और जो चंगेज़ खान की इताअत करेगा, इसे कुछ भी नहीं कहा जाएगा। दोस्तों, चंगेज़ खान की ज़िंदगी का अहम वाक़या 1219 में पेश आया, जब इसके चंद सफ़ीर जो मुख्तलिफ ममालिक में भेजे गए थे, कत्ल हो गए। चंगेज़ खान ने इस वाक़े को आलमी सतह पर उभारा और इस दिन वो दुनिया को फतह करने के इरादे से निकल खड़ा हुआ। इसी साल इसने शुमाली चीन और अफगान सरहद के कई इलाके फतह किए। इसके अलावा बुखारा, समरकंद, शाहपुर, हरात, तुर्किस्तान, आज़रबाईजान, तबरेज़ और ख़रासान पर भी हमला करके इन्हें फतह कर लिया। इसकी फ़ौजों ने जनूबी रूस और शुमाली हिंद तक यलगार की। वो 6,500 किलोमीटर रकबे का मालिक बन गया। इसकी सल्तनत शुमाली चीन से जॉर्जिया तक फैली हुई थी
और इसने इतनी बड़ी सल्तनत के हसूल के लिए 84 लाख लोग कत्ल करवा दिए थे। इस लिहाज से इसे तारीख का सफाक तरीन हुक्मरान भी समझा जाता है। मगर यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये सब मुमकिन कैसे हुआ, चंगेज़ ख़ान ने आखिर आधी दुनिया को फतह कैसे किया। दोस्तों ये एक बहुत ही दिलचस्प हकीकत है। दर हकीकत बचपन से ही ज़हानत और बहादुरी की बदौलत मशहूर होने वाले चंगेज़ ख़ान ने जंगी हिकमत अमली के लिए दो फार्मूले अपनाए थे। पहला फार्मूला इसकी रफ़्तार थी। इसके लश्कर की रफ़्तार बहुत ज़्यादा तेज़ थी। वो एक हफ्ते में वहाँ पहुँच जाता था जहाँ पहुँचने में दूसरी कौमों को एक महीना लग जाता था। इस मकसद के लिए इसने पैदल दस्ते ख़त्म करके अपना सारा लश्कर घोड़ों पर मुंतकिल कर दिया था। इसके हर सिपाही के पास 3 घोड़े मौजूद होते थे। दौरान सफ़र जब किसी सिपाही का घोड़ा थक जाता तो वो इस घोड़े को ज़िबा कर देता था। इसका खून दूसरे घोड़ों को पिला दिया जाता था और गोश्त काट कर अपने पास रख लेता था और यूँ दूसरे घोड़े पर सवार हो जाता। लिहाजा चंगेज़ ख़ान का लश्कर बगैर रुके आगे बढ़ता चला जाता था। दोस्तों दूसरा फार्मूला इसकी टेक्निक था, क्योंकि मंगोली फ़ौज के लोग या तातारी लोग तारीख के वो पहले लोग थे जो घोड़ों पर बैठकर तीर चला सकते थे। इससे पहले दुनिया इस टेक्निक से वाकिफ नहीं थी और इससे पहले जिस्मानी कुव्वत को जंगों में रफ्तार और टेक्निक से ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। चंगेज़ ख़ान का लश्कर बहुत ही जालिम और सफाक था। जब भी किसी शहर या इलाके को ये लोग फतह करते तो इस जंग के दौरान हलाक होने वाले लोगों की खोपड़ियों से मीनार बनाया करते थे। जंग के दौरान तमाम लोगों, बच्चों, बूढ़ों, हत्ता के जानवरों को भी कत्ल कर देते थे और खूब लूट मार किया करते थे। दोस्तों चंगेज़ ख़ान 18 अगस्त 1227 को एक जंगी मुहिम के दौरान मारा गया था, जिसके बाद इसके बेटों ने इसे इसके गुलामों, बीवियों और घोड़ों को ज़िबा करके इसके ख़जानों के साथ किसी नामालूम जगह पर दफन कर दिया था। यूँ चंगेज़ खान की कब्र 800 साल तक दुनिया की नज़रों से ओझल रही। मगर अक्टूबर 2004 में चंगेज़ ख़ान का मकबरा दरियाफ्त हुआ और दुनिया को पहली बार इसके मालो दौलत और शान शौकत का अंदाज़ा हुआ। दोस्तों चंगेज़ ख़ान के बारे में ये भी कहा जाता है कि वह मुसलमानों पर भेजा हुआ अल्लाह का एक अजाब था, जिसकी हकीकत कुछ यूँ है। चंगेज़ ख़ान के कुछ आदमी तिजारत की गर्ज़ से ख्वारज़्म की तरफ निकले। ख्वारज़्म के बादशाह अलाउद्दीन ख्वारज़्म के एक गवर्नर ने इन्हें लूट लिया और जब ये खबर चंगेज़ ख़ान तक पहुंची, तो इसने अपना एक और वफद अलाउद्दीन ख्वारज़्म की तरफ भेजा कि इसे और इसके लोगों को इंसाफ दिया जाए। मगर अलाउद्दीन ख्वारज़्मी ने जवाबी तौर पर इस वफद के हर एक आदमी को कत्ल कर दिया और सिर्फ एक आदमी को ज़िंदा छोड़ दिया और इसकी आधी मूँछ, आधे बाल और आधे सर के बाल काट कर इसे चंगेज़ ख़ान की तरफ भेज दिया कि ये इसका इंसाफ है। इस वक्त चंगेज़ ख़ान शिकार करने में मसरूफ़ था। जब इसे ये खबर मिली तो वो एक पहाड़ी पर चढ़कर पुकारा, ऐ मुसलमानों के खुदा, ऐ मुसलमानों के अल्लाह, तेरे बंदों ने मुझ पर जुल्म किया और मुझे तुझसे इसका बदला चाहिए। लिहाजा जब चंगेज़ ख़ान ने ईरान पर हमला किया, यानी मुसलमान ममालिक पर हमलों का आगाज़ किया, तो जहाद के लिए बहुत से आदमी भी बाहर निकले। इन्हीं आदमियों में से कुछ अल्लाह वाले लोग भी मौजूद थे। वो लोग जब जहाद के लिए निकले तो उन्होंने देखा कि चंगेज़ ख़ान के लश्कर के पीछे फरिश्तों की जमातें मौजूद हैं और वो ये कह रही हैं कि ऐ काफिर जमात, इन जालमों पर टूट पड़ो और इन्हें ख़त्म कर दो। दोस्तों चंगेज़ ख़ान अक्सर कहा करता था कि मैंने ज़िंदगी में हर दुश्मन को शिकस्त दी है, मगर मैं अपनी तकदीर को फतह ना कर सका। और यही दुनिया के अंदर इंसान की हकीकत है। इंसान सबसे लड़ सकता है, ज़ुल्म और सितम की दास्तान रकम कर सकता है, मगर आखिर में इसे अपने अंजाम को ज़रूर पहुँचना है। इंसान अपनी तकदीर को और मौत को कभी भी शिकस्त नहीं दे सकता। सही बात। सो गाइस, दिस वाज अ रिएक्शन ऑन हसी टीवी। चंगेज़ ख़ान की हिस्ट्री के बारे में बहुत अच्छे से बताया उन्होंने। एंड भाई साहब, 3-3 घोड़े एक बंदे के पास और इतना बड़ा लश्कर होता था उनके पास। और ये मैंने भी सुना है कि वो घोड़ों को खाते थे डायरेक्ट, घोड़ों को ज़बा करके घोड़ों का खून पिलाते थे दूसरे घोड़ों को और खाते थे। ये तो मुझे पता है और ये बहुत डेंजर बात है भाई साहब। और उन्होंने कितनी सारी जगहों को फतह किया है। शुक्र करो कि वो इंडिया में नहीं आए, आ सके थे, मतलब इंडिया में रोक दिया था उनको अलाउद्दीन खिलजी ने, नहीं तो भाई क्या होता इंडिया का हाल, क्योंकि वो इतने डेंजर थे भाई, बहुत ही ज़्यादा। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।